बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन और पोटैटो के डोनट बना रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ आलू ऐड कर दिए, साथ में चिकन, साथ में क्यूमन पाउडर ऐड कर दिया, साथ में हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और साथ में हम यहाँ पर रेड चिली ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून से भी हाफ मैंने ऐड किए क्योंकि बच्चे ज़रा कम खाते हैं, हम भी कम खाते हैं मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, हम थोड़ा कम खाते हैं इसलिए। तो इसलिए मैं चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही थी, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यहाँ पर ऐड किया है। डाला मैंने टेबल स्पून से, लेकिन टी स्पून के मुताबिक मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर ऐड कर दिया। ये देखिए, इसमें मैं सोया सॉस डाल दूँगी तकरीबन एक एक टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये मैंने डाल दिया सोया सॉस, साथ में थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी क्योंकि आपको पता है मिर्ची होती थोड़ी सी, थोड़ा सा विनीगर, इसका अलग टेस्ट होता है। आपकी ज़रा देखिएगा कितना ज़बरदस्त है बनाएं। और ये देखें, ये लेमन मैं स्क्वीज़ कर लूँगी थोड़ा सा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह। तो इन सबको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे डोनट के जो मटेरियल हमने बनाए थे, ये आप इसे डोनट भी बना सकते हो, ये इससे आप कबाब भी बना सकते हो। ठीक, शीट पे साइड पे कर दूँगी। ये देखें, ये मेरे पास चेटर चीज़ है, तो इसमें जो चीज़ें ऐड की थी आपके सामने की थी। ठीक है, तो ये बाकी मैं ऐड कर दूँगी, ये मुझसे गिर गया, अभी कोई मसला नहीं है। तो मैं इसमें ये देखें चीज़ ऐड कर दूँगी, ये हाफ मैंने इससे ऐड कर दिया तकरीबन एक बाउल के करीब। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ बाउल बना दिए, तो इसको मैं डोनट की शेप दे दूँगी। ये देखें, यूँ मैंने गोल बना दिए, सर्कल टाइप, यूँ जैसे ये देखें जैसे हम लड्डू बनाते हैं। ठीक है, फिर इसको मैंने यूँ शेप दे दी और इसके दरमियान से किसी भी ढक्कन से किसी भी आप सांचे को करके तो आप डोनट की शेप दे सकते हो। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने इनको डोनट की शेप दे दी। आप फिंगर से भी कर सकते हो और यूँ आप किसी ढक्कन से किसी सांचे से भी कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको, ये मैंने एग लिया था एक अदद यानी अंडा, और इसको मैंने फेंट लिया और इसमें डिप करेंगे यूँ करके। और फिर ये देखिए, मैंने यहाँ ब्रेड क्रम बनाए थे, तो इसमें हम इसको यूँ कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, बस आपने ऐसे करने। ठीक है, मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से डोनट कंप्लीट हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही यमी लग रहे हैं। तो अभी इसको मैं फ्रीज कर लूँगी, आपने बनाने हो तो बना लें, और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। और अगर ये मैं फ्रीज कर रही हूँ, अगर आपने जैसे डायरेक्ट बनाने हो तो बस इस टाइम पर आप तल सकते हो, बना सकते हो, ये डीप फ्राई होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।